आज 30 अक्टूबर 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 23rd अक्टूबर 2024 एंड इट्स वेनसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज इस समय मैं अपर आसाम के तिनसुकिया में पहुंच गया हूँ। कल का और आज का दिन काफी हेक्टिक रहा क्योंकि कंटिन्यूस प्रोग्राम है। अभी 22 तारीख को शाम को 6 बजे मैं मुरली रहस्य रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जबकि मुझे इन एडवांस भेजना चाहिए। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कटोकट प्रोग्राम रखा हुआ है यहाँ पे। कटोकट माना थोड़ा भी रेस्ट नहीं है। अभी मैं दिग बॉय करके एक स्थान है आसाम में, आप अगर गूगल के सर्च करेंगे तो बहुत प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पर अंग्रेजों को सबसे पहले तेल मिला था भारत में। उस स्थान का नाम है डिग बॉय, क्योंकि हाथी लेकर जाते थे तो हाथी का पाँव पड़ता था, तो हाथी के पाँव को तेल दिखाई दिया, तो वहाँ के जो लेबर्स थे उनको अंग्रेज कहते थे डिग बॉय डिग, तो तेल वहाँ पे उनको मिला, तो अंग्रेज यहाँ से तेल निकालते थे। आज यहाँ पर बहुत बड़ी आसाम तेल कंपनी है। कल भी जहाँ पर गए थे वो दुलिया जान, जहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, तो इस स्थान में बहुत तेल है। तो वहाँ पे प्रोग्राम करके नॉन स्टॉप सुबह से, वो भी निकले थे हम दुलिया जान से, डिग बॉय पहुँचे 1 घंटे में, फिर सुबह ब्राह्मणों का क्लास, फिर 10 से 12 12:30 तक, 1:15 तक नर्सेस का क्लास, उसके बाद भोजन तो नहीं किया, फ्रूट्स खा के फिर कॉलेज में गए, डिग बॉय कॉलेज। ये पूरा ईस्टर्न इंडिया में नंबर 1 कॉलेज है। बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, मैं वो अभी कारण यहाँ नहीं बता रहा हूँ, तो उस कॉलेज में 500 के करीब स्टूडेंट के सामने सेशन लेने के बाद, मैं बहुत दिनों के बाद ऐसा स्कूल देखा है आज, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, स्पेशली फीमेल्स, उनको साड़ी पहनाई जाती है। तो मुझे वंडर लगा, भारत में एक ऐसा स्कूल है जहाँ स्कूल के बच्चों को साड़ी पहनाई जाती है, उनका ड्रेस है वो साड़ी है। तो वहाँ पर सेशन लेके फिर आके खाना खाया शाम को 4 बजे के बाद, भोजन 4 बजे हुआ, उसके बाद फिर तुरंत निकले हैं, अभी आए हैं और अभी आते ही फिर से रिकॉर्डिंग के लिए बैठे हैं। तो मैं अपने आप को कभी कभी देखता हूँ, शरीर का लिमिटेशन होता है, लेकिन बाबा की याद से हिम्मत करके हम इस लिमिटेशन को पुश करते हैं, लेकिन इसका असर डेफिनेटली शरीर के ऊपर आता है। शरीर इशारा दे रहा है कि आपको बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए, लेकिन कमिटमेंट होती है तो हम छोड़ते नहीं हैं। भोजन बंद करके रेस्ट करेंगे तो बॉडी रिकवर हो जाती है। आज इसी के ऊपर मुरली है। आज की मुरली अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूँगा एक वर्ड के ऊपर मुरली है, वो है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। क्योंकि आज की मुरली में ये स्पिरिचुअलिटी शब्द बार बार आया है। 3 शब्द है, स्पिरिट, स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल फादर एंड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, रूह, रूहानी पिता,
और रूहानी विश्वविद्यालय, इसके ऊपर आज की पूरी मुरली है। और बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा हुआ है कि देह भान से थकावट होगी और देही अभिमानी होंगे तो अथक बन जाएंगे। एक मुरली में बाबा ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, बाबा ने कहा अगर आत्मा समझ के बाबा को याद करके आप पैदल करेंगे तो आबू से दिल्ली जाएंगे तो भी थकेंगे नहीं। और एग्जैक्टली ऐसे हुआ। जो बाबा के बच्चे 1985 में थे वो सब ये जानते हैं 1985 में क्या हुआ था। आप हिस्ट्री को देखेंगे, जो उस समय कुमार कुमारियाँ थे तो 1985 में ब्रह्मा कुमारी ने एक यात्रा निकाली थी, यूथ पैदल यात्रा, और सभी देश के कोने कोने से यूथ पैदल करते हुए दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पहुंचे। और उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। तो ज्ञानी जेल सिंह के साथ मुलाकात की, क्योंकि बाबा मुरली में कहता रहता है कि यूथ यूथ बहुत बड़ी शक्ति है। अभी यूथ डिस्ट्रक्शन का काम कर रही है। अगर ये सब इतने सब यूथ पवित्र जीवन जी के गवर्नमेंट को प्रूफ दे तो गवर्नमेंट भी ये देखेगी कि आध्यात्मिकता क्या कर सकती है। मैं अभी जो लेक्चर लेता हूँ कॉलेज और स्कूल में, उसमें मैं यही बात सिखाता हूँ। नशा मुक्त अभियान में इस समय भारत की लोक संख्या 142 करोड़ है, 142 करोड़, और उसमें 68% जो है वो हम कहते हैं भारत का यूथ डिविडेंड है, माना यूथ पावर है। 68% आप सोचो, इस समय भारत यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। सबसे ज़्यादा यूथ भारत में है प्रोडक्टिव एज ग्रुप में, और यही आजू बाजू के मुल्क को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस कंट्री में यूथ पॉजिटिव हो उस कंट्री को आगे बढ़ना ही है। क्योंकि इतने सारे यूथ अगर अच्छी तरह से अपनी एनर्जी को फोकस करके कंस्ट्रक्टिव काम करे तो उस कंट्री की इकोनॉमी आगे बढ़नी ही है। और यहीं पर जो भारत के दुश्मन है, सो कॉल्ड दुश्मन, वो यूथ को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मैं स्लाइड में दिखाता हूँ नशा मुक्ति में, कि भारत को दो तरफ से खतरा है। राइट साइड में भारत के अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान है, जिसको गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं, जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इलीगल अफीम या ओपियम की खेती होती है। और भारत के लेफ्ट साइड में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये जो कंट्रीज है, और वियतनाम, यहाँ पर दूसरा इलीगल अफीम की खेती होती है। तो भारत को दोनों तरफ से खतरा है। पहले भारत ट्रांजिट प्लेस था, माना ड्रग्स भारत में आके पूरे वर्ल्ड में जाता था। अभी भारत कंज्यूमर्स प्लेस बन गया है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है और भारत के यूथ इसमें फंसते जा रहे हैं। पंजाब हमारी आंखों के सामने उड़ता पंजाब, बाकी के स्टेट भी, जैसे महाराष्ट्र, पहले इतना ड्रग्स नहीं था लेकिन अभी महाराष्ट्र ड्रग्स की तरफ जा रहा है, उत्तर प्रदेश जा रहा है, हर स्टेट में ये ड्रग का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि भारत में यूथ ज़्यादा है और यूथ को पकड़ने की कोशिश हो रही है। और यही स्पिरिचुअलिटी अगर यूथ धारण करे तो पूरा पिक्चर बदलने वाला है। हम सब फेमस कोट जानते हैं स्वामी विवेकानंद का, जो पढ़े लिखे बाबा के बच्चे हैं, कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे 100 ब्रह्मचारी दे दो, मैं पूरे विश्व को बदल दूंगा। अभी इतना कॉन्फिडेंस उनको था, केवल 100। तो मैं सोचता हूँ स्वामी विवेकानंद जैसी आत्मा 1900 में ये कह रही है कि मुझे केवल 100 युद्ध दे दो, मैं पूरे विश्व को बदल दूंगा। माना उनको कितना कॉन्फिडेंस होगा पावर ऑफ प्यूरिटी के ऊपर। तो मैं सोच रहा था बाबा के लाखों बच्चे अभी हो गए हैं, 10 लाख से ऊपर है, एग्जैक्ट फिगर तो पता नहीं, लेकिन इतने सारे बाबा के बच्चे हैं और पवित्रता को धारण कर रहे, तो हम क्या नहीं कर सकते।
पर हमारे अंदर संपूर्ण पवित्रता धारण होनी चाहिए, तभी ये मैजिक हो सकता है। तो बाबा इसी की तरफ हमको खींच रहा है। स्वामी विवेकानंद, ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा है, ऊपर से नीचे आई हुई। हम बाबा के बच्चे ऊपर से नीचे उतरते आए, ये हमारा अंतिम जन्म है। जितना जितना हम पवित्रता को धारण करेंगे, दो बातें होगी। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, स्पष्ट कहा है कि कामी की हेल्थ बिगड़ते रहती है, ताकत कम हो जाती है। काम विकार ने ताकत बिल्कुल कम कर दी है। कामी, भोगी और रोगी, ये तीन शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया है। और योगी जो रहता है तंदुरुस्त रहता है। मुझे कुछ बाबा के बच्चे और बाहर के भी ये प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग तो पवित्रता को फॉलो कर रहे हैं, आप लोग शुद्ध भोजन धारण कर रहे हैं, किसी के हाथ का खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते हैं, और मेडिटेशन करते, आप सुबह 3:30 बजे उठ के ध्यान करते, तो आप लोगों को तो बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए। ऐसे मुझे प्रश्न पूछते हैं लोग। अभी इनको हम क्या बताएं कि ये इस जन्म को भले हम शरीर को संभाल रहे, लेकिन पिछले जन्म के कर्मों का क्या, उसका असर तो आना ही है। और तत्व तमो प्रधान है। इस समय आप देखो हो, हम पानी पीते हैं तो प्लास्टिक की बोतल में पीते हैं। आज हमारे पास डेटा है कि माइक्रो नैनो नैनो प्लास्टिक के कण हमारे भोजन में जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं। कितना नैनो है, कितना आर्टिफिशियल अन्न आते जा रहा है, कितनी कृत्रिम चीजें हैं, पेस्टिसाइड है। माना अन्न भी पोल्यूटेड है, पानी भी पोल्यूटेड है, हवा भी पोल्यूटेड है। कितना पॉइजन हमारे बॉडी में जा रहा है। तो बीमारी तो आनी है। आप कितने भी अच्छे योगी हो, कितने भी अच्छे योगी हो, ये प्रकृति के पांच तत्व तमो प्रधान है। तो जितना हो सके हम अपने आप को बचा है, लेकिन बीमारी आनी है। अभी कामी जो है वो बार बार बीमार पड़ते हैं, ये बात ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाबा के वो बच्चे जो बार बार बीमार पड़ते हैं वो कामी है। नहीं, इस तरह से गलत इंटरप्रिटेशन नहीं निकालना है। बीमार पड़ने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। काम विकार अगर गहराई से समझना है तो हम स्पष्टीकरण इसका दे सकते हैं कि जिनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, काम माना कामनाएं, उनकी बुद्धि भटकती है। जितनी ज्यादा इच्छा है उतना असंतुष्ट ज्यादा रहेंगे आत्मा, क्योंकि असंतुष्ट का कारण बाबा ने बताया अप्राप्ति, और अप्राप्ति का कारण कोई ना कोई इच्छा। ये शिव भगवान वाच है, जहां सर्व प्राप्तियां है वहां संतुष्टता है। अभी जितने असंतुष्ट होंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा इच्छा है अपूर्ण, उतना ज्यादा असंतुष्ट। अभी संतुष्टता कैसे प्राप्त होगी? योग में समझो किसी को अनुभव नहीं हो रहा है, प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है, अभी वो क्या करेगा? काम विकार में तो जाएगा नहीं, लेकिन वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढता है। सॉफ्ट टारगेट कौन सा है? भोजन है। भोजन इज अ सॉफ्ट टारगेट फॉर योगीज। तो सभी सभी धर्मों में जो सन्यासी होते हैं वो भी अपने फॉलोअर्स को, शिष्यों को बताते हैं कि भोजन में आसक्ति नहीं जानी चाहिए। बाबा ने भी इसके ऊपर मुरलियां चलाई है। बाबा के महावाक्य है, 36 प्रकार का भोजन मिले और सूखी दाल रोटी मिले, दोनों में अवस्था समान होनी चाहिए। तो भोजन में आसक्ति क्यों जाती है? क्योंकि मन पसंद भोजन करने के बाद संतुष्टता का अनुभव होता है, थोड़े समय के लिए संतुष्ट था। इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है। रिसर्च क्या कहता है? मूड और फूड का कनेक्शन है। मूड एंड फूड, मूड डिसाइड्स योर फूड एंड फूड डिसाइड्स योर मूड। अभी बाबा ने हमको रूखे सूखे सन्यासी तो बनने को कहा ही नहीं है। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि भोजन नहीं करना ये खुद को तकलीफ देना है, दुखी होना है। तो इस तरह से भोजन छोड़ना नहीं चाहिए।
बाबा ने तो कहा है सब कुछ खाओ, बाबा की याद में बनाए हुए सत्व प्रदान भोजन सेवन करो, लेकिन मैं थोड़ा मॉडरेशन को शब्द को यूज करना चाहूंगा। किसी भी प्रकार का अति में नहीं जाना चाहिए, एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। अभी मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है, शक्कर की चीजें, चीनी की चीजें नहीं खाते हैं, हालांकि गुड़ की चीजें खाते हैं, क्योंकि शुगर इज हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस। शुगर जो है, चीनी जो है, ये बहुत एडिक्टिव सब्सटेंस है। चीनी और ब्रेन का प्लेजर सेंटर डायरेक्टली कनेक्टेड है, और इससे बहुत कुछ होता है। वो नेचुरोपैथी वाली कहते हैं कि सफेद चीजें अवॉइड करो, व्हाइट पॉइजन कहा गया है इसको। चीनी है, मैदा है, नमक है, ये अति मात्रा में नहीं जाना चाहिए, जितना हो सके इनको अवॉइड करना। तो मैं मॉडरेशन को बिलीव करता हूँ कि आप मॉडरेशन में ये भोजन के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि सेहत के साथ इसका कनेक्शन है। हमारे बहुत भीखे भाई बहने डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं पुराने, क्योंकि मूड ऑफ किसी का भी हो सकता है। एज ए डॉक्टर मैं ये कहना चाहूँगा, इसका योग के साथ डायरेक्ट कनेक्शन कोई नहीं है। अभी बेचारे डरते क्यों है, क्योंकि हम चिल्ला के कहते हैं कि राजयोग से मानसिक बीमारी ठीक होती है ना, राजयोग से खुशी बढ़ती है। तो कुछ डॉक्टर होते हैं, हमारी बहनें या भाई जाते हैं तो कहते हैं आप तो मेडिटेशन दुनिया को सिखाने वाले हैं, आप तो दुनिया का टेंशन दूर करने वाले हैं, आप कैसे बीमार पड़ गए। तो बेचारे जाना ही छोड़ देते हैं डॉक्टर के पास में, पर इन द प्रोसेस उनकी बीमारी बढ़ने लगती है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, प्लीज रिमेम्बर, ये बीमारियाँ किसी को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। आप कितना भी ध्यान रखो, क्योंकि कलयुग का अंतिम समय है, हिसाब किताब निकलने वाला है, कोई ना कोई बीमारी आएगी। अभी मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं लोगों को लेक्चर सुनाता हूँ कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, समय पे सोना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन मैं खुद अपने जीवन को साक्षी होके देख रहा हूँ। अभी जैसे कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप प्रोग्राम कर रहा हूँ, शरीर के ऊपर असर आ रहा है, बॉडी पेन कर रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है, ये रिस्क है, लेकिन हमने ये रिस्क ले ली है, क्योंकि हमको बाबा की सेवा करनी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बहनों को कि ज्यादा प्रोग्राम नहीं रखे, थोड़ा रेस्ट रखे बीच में, ताकि बॉडी रिकवर हो सके। लेकिन फिर इतना बोलने के बाद अगर होता है तो हम उस ड्रामा को एक्सेप्ट करते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे दादियों ने, बड़ी बहनों ने बहुत त्याग किया हुआ है, गांव गांव में गए हैं, बसेस में गए, ऑटो रिक्शा में गए, कितना धक्के खाए हैं। तो वो शरीर के अंदर चेंजेस लाता है, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, बहुत सारी बातें। जैसे आज मैंने 4 बजे भोजन किया, मैं सबको कहता हूँ टाइम पे खाओ, लेकिन कई बार प्रोग्राम लेट होता है। तो हम 4 बजे भोजन किया, अभी रात का भोजन हम बंद करने वाले हैं। तो इस तरह से एडजस्ट करते हैं, लेकिन शरीर का अपना लिमिटेशन होता है, तो शरीर के ऊपर असर डेफिनेटली आता है। तो ये सोचना नहीं चाहिए कि हम योग करने के बाद भी हमारी हेल्थ क्यों बिगड़ती है। अपने शरीर को संभालना, इसके भी समझ आनी चाहिए। ताकत, योगी सदैव तंदुरुस्त रहते हैं। मैं बाबा के ऐसे भी बच्चे देखता हूँ जो खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन उनकी आयु लंबी है। डायबिटीज है, बहुत मीठा खाते हैं, लेकिन आयु लंबी है। तो इसके साथ मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, हमारे जीन होते हैं, हमारा योग होता है, हर एक का लाइफ है। स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं हम सबको जन्म से ही फिक्स सांसें मिली हुई है, जब तक वो सांसें हैं तब तक आपका शरीर चलता रहेगा। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि यात्रा का आनंद लो, यात्रा का आनंद लो, बाकी फिर बार बार बीमार पड़ के भी यात्रा पूरी कर सकते। जीवन एक यात्रा है। यहाँ पर आज के स्पिरिचुअलिटी शब्द को मैं लेना चाहूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना हमारा स्पिरिचुअल फोर्स पावरफुल रहेगा, आत्मा अभिमानी स्थिति, मैं इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने दादी जानकी को बहुत नज़दीक से देखा है।
दादी जानकी कमाल की आत्मा है, शरीर में छह छह बीमारियां है, लेकिन दादी इतना पावरफुल है कि तत्वों के ऊपर दादी ने विजय प्राप्त कर ली थी। हमने तो इसका प्रैक्टिकल प्रूफ देखा हुआ है। मेरा ड्यूटी था एवरेल्दी हॉस्पिटल में, दादी का सांस फूल रहा था तो हम गए, बीपी चेक किया तो 220, 140 ऊपर का, 220 नीचे का, 140। अभी मैं डर गया, मैंने कार्डियोलॉजिस्ट को बोला तो हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता आए, उन्होंने चेक किया, देखा बीपी 220, 140। दादी को समझाया, दादी बीपी बढ़ा हुआ है, और ऐसे में डॉक्टर समझ सकते मेरी भाषा को। हम कहते बेजल क्रेपिटेशंस, माना स्टेथोस्कोप हम छाती के ऊपर रखते हैं, पीठ के ऊपर, तो हमको क्रेपिटेशन नाम का साउंड आता है। इसका मतलब होता है कि लंग्स में पानी भर रहा है, तब ऐसा साउंड आता है। तो दादी का हार्ट फेलियर में था, ये बात है 98 की। तो और दादी उस हालत में क्लास कराने जा रही है, हमने समझाया दादी बीपी बढ़ा है, क्लास नहीं हो सकता, आपको आराम करना है, लेकिन दादी किसका सुनती है। हमने दादी को गोली दिया और बोला आराम करना है। कुछ समय बाद हमने देखा दादी डायमंड जुबली के स्टेज पर क्लास करा रही है। हमारे समझ के बाहर था ये कैसे संभव है। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन देर इज विक्ट्री ऑफ माइंड ओवर मैटर, ये स्पिरिचुअल पावर है। तो दादी को आखिर बाबा ने भी समझाया था मुरली में कि आपको सेवा करना है, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया था बाबा के ऊपर, तो बाबा को संभालना पड़ा। दूसरा अनुभव दादी के साथ का मैं सुनाना चाहूंगा, ये इसलिए सुना रहा हूँ, कई लोग बीमार पड़ने के बाद डरते हैं। तो ये जसलोक हॉस्पिटल का है, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट के कैबिन में बैठा हूँ, बहुत सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट जिसके हाथ के नीचे न्यूरोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। एक बहन का रिपोर्ट दिखाना था, वहाँ पर दादी की ब्राह्मणी आई दादी के रिपोर्ट लेके। दादी उस समय लंदन जाना चाहती थी, दादी के आखिरी दिनों की बात है, 103 उम्र। तो डॉक्टर ने दादी का एमआरआई रिपोर्ट देखा और वो डिस्कस कर रहे हैं कि दादी का ब्रेन एट्रोफी, एट्रोफी माना पेशियां सूख चुकी है। तो डॉक्टर ने आके कहा कि एज पर द रिपोर्ट दादी की सेल्स ब्रेन के तो सिकुड़ गए हैं, इस हालत में भी वो लंदन जाना चाहती है। तो ब्राह्मणी ने कहा देखो ना, उसको इतना समझाया वो सुनती नहीं है, आप ही उसको समझाओ। तो वो सीनियर डॉक्टर जो कि नॉन बीके है, डॉक्टर कात्रक, आप अगर जानते हैं मुंबई के बहुत फेमस डॉक्टर है, उन्होंने कहा अगर इस उम्र में पेशेंट बेड पर पड़ा रहता है और इस उम्र में अगर दादी इस हालत में लंदन जाना चाहती है तो आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले, जाने दो उसको। तो मैं चेहरा देखते बन रहा था। डॉक्टर ने छुट्टी दिया, उसके बाद दादी लंदन गई, हांगकांग गई लास्ट में। तो ये दादी का पावर मैं नोटिस कर रहा था, दिस इज पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसलिए आध्यात्मिकता को बहुत अच्छी तरह समझना। आज जो बाबा कहता है ये रूहानी यात्रा, जितना हम ये रूहानी यात्रा करेंगे उतना हमारे अंदर ये ताकत आती जाती है, स्पिरिचुअल फादर शिव बाबा की शक्ति हमारे अंदर आती है। दादी का ये योग था इतना पावरफुल, दादी का संकल्प था कि मुझे मन को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। तो हम इस स्पिरिचुअलिटी की गहराई में जाएंगे। मेरा एक बार बेलगांव कर्नाटक में सेशन था रोटरी क्लब के लिए, तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, लेक्चर था स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। उन्होंने कहा कि नाउ डेज पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन स्पिरिट्स देन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिट शराब को कहते हैं, तो लोग शराब में ज़्यादा रुचि रखते हैं आध्यात्मिकता के अलावा। तो कहने का ये भाव है कि लोग आजकल अपनी ताकत के लिए नशे की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, टू कोप अप विद डे टू डे स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, रोजमर्रा के जीवन के तनाव को। लेकिन बाबा ने हमको कहा आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, जितना जितना बाबा के साथ हमारा कनेक्शन होगा उतनी ताकत हमारे लिए आएगी। बाबा ने कहा घूमो फिरो उठो बैठो, लेकिन अपने को आत्मा समझो। बाबा का ज्ञान देने का तरीका कितना वंडरफुल है। आज बाबा ने अल्लाह शब्द के ऊपर बताया है,
अभी हमारे मुस्लिम भाई बहनें जब नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्लाहू अकबर। बाबा ने इसी थ्रेड को पकड़ा है, जैसे आजकल सन्यासी लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि और शिवो अहम, ये है खुद को भगवान कहना। बाबा ने कहा तुम भगवान कैसे हुए है? जैसे अल्लाह हो उसका अर्थ अलग है, लेकिन बाबा कह रहे हैं आप अल्लाह नहीं है, आप अल्लाह के बच्चे हैं। वो लोग कहते हैं अल्लाह तेरे हम बंदे, हम तेरी बंदगी करते हैं, माना उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अल्लाह को बाबा ने कहा आप अल्लाह नहीं हो, अल्लाह के बच्चे हो। ये कहने का भाव है अल्लाह सबसे प्योर है, अल्लाह सबसे ऊंचा है, तो अल्लाह हूँ नहीं कहना चाहिए। बाबा कहते हैं कि अल्लाह का बच्चा हूँ। तो ये बाबा का कहने का तरीका है, हर एक को टीचर बनना है, ये भी आज बाबा ने कहा। पढ़ाई, स्पिरिचुअल पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, ट्रेन में भी समझाना है। आज बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है, कहते कण कण में भगवान है। अगर कण कण में है तो खिलाएंगे कैसे? कण कण में तो खिलाएंगे कैसे, बाबा ने प्रश्न पूछा। इसलिए भक्ति मार्ग में चींटियों को भी खिलाते हैं। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण सतयुग में ये सब काम नहीं करते हैं, ये इधर ही होता है। बाबा ने आज कहा कि आप रिलीजियो पॉलिटिकल है, ये भी नया शब्द है, क्योंकि हम धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करते हैं। देखो राजा के पास वजीर होता है, धर्म वाले अलग है और राज्य वाले, यहाँ पर धर्म सत्ता राज्य सत्ता अलग है, लेकिन सतयुग में लक्ष्मी नारायण के हाथ में धर्म भी है और राज्य भी है, इसलिए इसको रिलीजियो पॉलिटिकल कहा गया है। कुछ बाबा के बच्चे जब अवस्था नहीं बने तो पॉलिटिकल ज्यादा होते, रिलीजियस कम होते हैं, तो ये द्वापर के संस्कार है, द्वापर के संस्कार पॉलिटिकल बनने के ज्यादा है। हम रिलीजियो पॉलिटिकल बन रहे हैं, पर हमको रिलीजियसनेस या धारणा के ऊपर ज्यादा जोर देना है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हमको युक्ति युक्त जरूर चलना है। लास्ट ये कंपटीशन मोड में कुछ बाबा के बच्चे आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि दूसरा आगे जा रहा है मतलब मेरा महत्व कम होगा, ये गलत सोच है। हमको धारणा में नंबर लेना है, स्वयं को सिद्ध नहीं करना है। बाबा ने कहा पीछे आने वाले अपने पाप भस्म नहीं कर पाएंगे तो सजाए खाकर थोड़ा पद पा लेंगे, पढ़ाई पर ध्यान आदि नहीं देंगे तो धोबी आदि का काम करना पड़ेगा। व्यापार में बहुत मल्टी मिलियनर बनते, बहुत कमाई होती है। आज बाबा ने कहा एक ही स्कूल, एक ही पढ़ाने वाला, जहां स्वयं ब्रह्मा भी पढ़ता है, ऐसी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। विशेष आज का वरदान है सहज योगी। सहज योग का आधार बाबा ने कहा जहाँ संबंध और प्राप्ति है, ये हमारे 7 डेज कोर्स में भी बहने सुनाती है, संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है, और जहाँ प्राप्तियाँ है वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाती है। तो क्या करना चाहिए? बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई हुई, अव्यक्त मुरली, कि दिल से कहेंगे मेरा बाबा, तो बाबा मेरा है तो उसकी सभी शक्तियां भी मेरी है, उसका पूरा ज्ञान भी मेरा है, उसका गुण सुख शांति आनंद प्रेम सब खजाने मेरे हैं, बस एक मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो बाबा की पूरी प्रॉपर्टी वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे, और इस स्मृति में रहेंगे तो अपार खुशी रहेगी और सहज योगी बन जाएंगे। तो सहज योग का आधार बाबा ने कहा है, जिनका भी योग नहीं लगता है, जिनको कंप्लेंट है, वो दिल से यह अनुभव करे कि मेरा बाबा बार बार ये बोलते रहे। मैंने कई माताओं को देखा है, उनके मुख से निकलता है चाहे कुछ भी हो जाए पहला शब्द आता है मेरा बाबा, ठेच लगी मेरा बाबा, किसी ने कुछ बोल दिया मेरा बाबा। कितना अच्छा तरीका है कि हर वक्त बाबा याद रहता है, तो अपार खुशी में रहेंगे, देह बांध से मुक्त बनेंगे। बाबा ने आज कहा सभी बंधन समाप्त तो हो जाएंगे। देखो देह बांध कितना बड़ा पेपर है,
कितने भी पुराने हो जाओ लेकिन देहबान नहीं गया तो सभी बंधन अपने आप आ जाएंगे, और देहबान को जीत लिया तो सभी बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसके ऊपर चिंतन करेंगे, इज्जत नहीं गवानी है। आज की पूरी मुरली इज्जत के ऊपर है, देवताओं को इज्जत है, कलयुगी मनुष्य आज इज्जत देते हैं कल उसकी बेइज्जती करते हैं। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भी नीचे उतार देते, उन्हें मारने में भी देर नहीं करते हैं। तो माया ने सबकी बेइज्जती की है। आज के पूरी मुरली में टेक होम, स्पिरिचुअल पावर बढ़ानी है। हम स्पिरिचुअल बाप के स्पिरिचुअल बच्चे हैं, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। एक ही यूनिवर्सिटी जहाँ बच्चे बूढ़े सभी पढ़ते हैं, एक ही पढ़ाई है, पढ़ाने वाला एक है, स्वयं ब्रह्मा भी यहाँ पढ़ता है। बाबा हमारे हमें दैवी इज्जत दे रहे हैं, तो रूहानी यात्रा करके दैवी इज्जत प्राप्त करनी है। संबंध के आधार पर प्यार और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना है। मेरा बाबा से सर्व खजाना प्राप्त करना है। देह अभिमान से मुक्त होकर सभी बंधनों से स्वयं को मुक्त करना है। अच्छा, ओम शांति।